सबको राम राम भाई। आज हाईकोर्ट में कम से कम एक केस तो हो गया है डिसमिस। ये केस जो है ना कल की डेट थी इसमें, और ये डिसमिस नहीं बल्कि डिस्पोज ऑफ किया है, इसका निपटारा किया है। डिसमिस तो गलत बोल दिया, डिस्पोज ऑफ हुआ वो केस है। सिविल रिट पिटीशन नंबर था 1487/2022, डेट ऑफ डिसीजन है इसकी 10 मई 2022। ये केस जो है ना ITI के सिलेक्टेड ने किया था, जो 121+5 वगैरह थे जो भी थे, और उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो एक तरह से पॉइंटलेस था ये केस। लेकिन इसको उस दिन से 2 महीने से साथ में घसीट रहे थे। कल इसमें अच्छा हुआ है, ये तो कम से कम डिस्पोज ऑफ कर दिया। संदीप कुमार के नाम से था, स्टेट ऑफ हरियाणा, प्रेजेंट मिस मेघना नेहरा एडवोकेट थी इसमें। और इसमें जो ऑर्डर आया है, लीजा गिल जी जज थी, लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट दिस रिट पिटिशन इज रेंडर्ड इनफ्रुक्चुअस एज द रिलीफ क्लेम्ड हैज सिंस बीन अफोर्डेड। तो इसका मतलब क्या है भैया, पॉइंटलेस हो चुकी है यह रिट पिटिशन अब, क्योंकि इनकी जो मांग थी इन कैंडिडेट की वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। अब इसको जो है ना डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। इस बात पर जज ने भी सहमति जता दी, रिट पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ एज इनफ्रुक्चुअस, यानी कि पॉइंटलेस, जिसका कोई आधार नहीं, तथ्य इन मान के कि भैया अब इसको आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये तो वैसे तो पिछली डेट पे हो जानी चाहिए थी, जब ITI के मैडम ने ऑर्डर किया था भाई हमने इन पर स्टे नहीं लगाया है, लेकिन उससे हम पता नहीं क्यों नहीं डिस्पोज ऑफ किया। ये जो है ना कल डिस्पोज ऑफ हो चुकी है अब, क्योंकि इस केस का कोई मतलब बनता भी नहीं था। जब इनकी ज्वाइनिंग होगी, इन्होंने अपनी ज्वाइनिंग मांगी थी, इनकी एक ही मांग थी जी हम 802 की पहली लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, और KUK पर स्टे है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के, लेकिन हमारे ऊपर ना तो कोई स्टे है, और अगर कल को रिवाइज भी होती है लिस्ट तो भी हमारा नंबर तो आएगा, क्योंकि भाई ITI के थे ये यार। मैं भी इनकी बात को शुरू से जायज मान रहा था, हालांकि मैंने इनको दिसंबर में कहा था तुम एक बार कोर्ट में चले जाओ जाते हो जाएगा, पर इनके अपने निजी वो थे भी कौन जाओ कौन नहीं जाओ है। कुछ सोच रहे थे सरकार पर ज़्यादा विश्वास जता ले हैं अगर आप कर देगी, लेकिन सबको पता है सरकार को न करती अपने आप, ये तो करवाना पड़ा है भाई। पर चलो इन बच्चों ने फिर भी हिम्मत करी, संदीप ये पुरी जी ने केस किया था, और इनको दोबारा बताई भाई इनको नौकरी ज्वाइन हो गया, अच्छी तरह चल रही है, इनके भविष्य की शुभकामनाएं। और ये केस जो है डिस्पोज हो गया, ये भी ठीक हुआ है, चलो कुछ तो कम हुआ। धन्यवाद जी।